हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। तो यहाँ पे अपनी साइकिल पूरी रेडी है और डबरू को मैंने अंदर पैक कर दिया है। तो सबसे पहले आप डबरू से मिल लीजिए। ये देखिए डबरू अंदर बैठा हुआ है और अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। देख सकते हैं साइकिल अपनी पूरी रेडी हो चुकी है। तो मैंने स्टे किया था भैया के घर पर, तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से और आपको सारा कुछ दिखाएंगे। काफ़ी मज़ा आने वाला है। आज हम जाने वाले समुद्र के अंदर नहाने के लिए, मतलब मज़े करेंगे पूरे आज, और मंदिर की तरफ जाएंगे। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, सारा कुछ दिखाएंगे। बस तो मैंने अपनी यात्रा भी स्टार्ट कर दी है, तो चलते हैं मंदिर के पास और आपको दिखाते हैं आज का नज़ारा। मौसम कुछ इस प्रकार से हो रहा है। आज ब्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट किया है, मतलब 3 बजे के बाद से। तो चलते हैं मंदिर और समुद्र में आज नहाएंगे, बहुत मज़ा करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। बस देखते रहिए। यहाँ से मंदिर दिख रहा है पूरा और मौसम देखो कितना मस्त हो रहा है। वो देखो मंदिर। तो अभी मैं मंदिर के एकदम सामने वाली गली में हूँ और ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, देख सकते हैं। और बहुत ही मस्त लग रही है, देखो सभी लोग आ रहे जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, बहुत मस्त है। गाइस देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है आज, आज बहुत ही भीड़ है। देखो वो रहा मंदिर सामने और भीड़ बहुत ज़्यादा है आज। गाइस ये रहा मंदिर और देखो भीड़ कितनी आज यहाँ पर। हाँ जी, मैं आपको YouTube पे भी देखा था एक बार। YouTube पे देखा है? हाँ। कहाँ पे? अर्जुन ओ तो भाई मिला यहाँ पे, देख सकते हैं भाई ने YouTube पे देख रखा था मेरे को, साथ में आंटी जी। मैं यूपी से। हाँ जी, आप कहाँ से हो? लखनऊ से। मैं भी और थोड़ा आगे से हूँ। अच्छा, तो भाई ने देख रखा है पहले से देखो। तो यहाँ पे अपनी साइकिलें देख सकते हैं और मैं मंदिर के पास पहुँच चुका हूँ। तो आज मैं मिलाने वाला था आपको इनसे। जय जगन्नाथ। कहाँ से हैं आप? पुरी से। पुरी से। तो अभी देख सकते हैं जिम जा रहे हैं, तो अभी मिलने के लिए आए यहाँ पे और अपनी साइकिल यहाँ पे रेडी है। तो मिलके बहुत अच्छा लगा। हमको भी अच्छा लगा आपसे मिलके। तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारी यात्रा के बारे में? और बाकी देखो मंदिर सामने ही है, तो यहाँ पे हम लोग आए थे और अभी चलेंगे आगे, दिखाते हैं आपको समुद्र के किनारे जाने वाले। अभी आप जाओगे क्या? जिम का टाइम हो गया इसलिए नहीं जा रहे ये, बाकी देखते हैं, चलते हैं अभी, दिखाते हैं आपको सारा कुछ। और इधर आपका भाई, तो काफ़ी मजा आने वाला है, बस एंड तक देखते रहना। अभी चलेंगे, शाम का टाइम हो गया, समुद्र के किनारे चलते हैं अभी और दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। समुद्र की लहरें बहुत मस्त होने वाली है। तो यहाँ पे देखो नाइट का व्यू किस इस प्रकार है और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, देखो कितना मस्त दिख रहा है भाई। आपको देख के मैं केदारनाथ आप जो गए थे ना। हाँ, मैं भी आपको देख के केदारनाथ। अरे वाह, मजा आया था। केदारनाथ के बाद कहीं और गए थे ना? खाली सिर्फ केदारनाथ, हरिद्वार। अच्छा, पहले घर। तो देख सकते हैं भैया गए थे मेरे को देख करके, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा कोई मिलता है जो कि देख के कुछ अच्छा काम करता है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताना। जय जगन्नाथ। और इधर भैया जी साथ में इनके। अभी हम लोग जा रहे हैं समुद्र के किनारे और अभी हो चुकी है रात, तो रात में दिखाएंगे हम आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाएंगे। और देखो इतना मस्त मौसम है। और आज एक गुड न्यूज है कि आज मेरे को एक भाई और मिल गया है जो कि मेरे साथ ही रहेगा शायद, तो देख सकते हैं। तो एक भाई है। तो रात का नज़ारा कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं और बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को घूमने में यहाँ पे। और पुरी में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं, पुरी को दिल से लव यू पुरी वालों को। तो अभी हम लोग समुद्र के किनारे आ चुके हैं, यहाँ पे भैया जी मिले हैं। जय जगन्नाथ। इधर देख सकते हैं सभी लोग मिले हैं और अभी समुद्र के किनारे। थैंक यू भैया। देखो गाइस नज़ारा, ये अपनी साइकिल है और हो चुकी है रात और देखो लहरें। यहाँ पे मिले हैं हमको ये भैया जो कि आए हैं यूपी 15 से, ये है मेरठ वाले। तो कुछ बोल दो मेरठ वालों के ऊपर थोड़ा जोर से। उड़ीसा में 3 दिन से मैं घूम रहा हूँ, कब मिले कब मिलेंगे, आगे पीछे डिस्टेंस हो जा रहा। ओ तो भैया 3 दिन से ढूंढ रहे थे, फाइनली आज मिल चुके हैं। पुरी में आते मिल गए, जगन्नाथ बाबा ने मिलवाए। ओ देखो भैया की मन्नत पूरी हो गई, बाबा ने सुन ली। ये देखो लहरें कितनी मस्त मस्त आ रही, देखो कितने ऊपर तक, ये यहाँ की लहरें हैं। तो यहाँ का नाइट का व्यू कुछ इस प्रकार है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ब्रिज के तरफ से, इधर देख सकते हैं जो बीच पे गए थे हम लोग घूमने। ज़्यादा नहीं जाना बस थोड़ा।
तो यहाँ पे अपनी साइकिल खड़ी है और यहाँ पे अपना फोन चोरी हो चुका है, तो बहुत देर हो गई मेरे को ढूंढते हुए, मिल नहीं रहा है और अभी देखते हैं कब मिलेगा। और मैं इधर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ आज, अभी फ़ोन जस्ट चोरी हो गया एकदम, तो अभी देखते हैं क्या होता है। मंदिर के सामने था और यहीं से फ़ोन चोरी हुआ, अभी देखते हैं क्या होगा। पुलिस में गया, अभी थाने में भी गया था मैं, तो पुलिस वालों ने भी मना कर दिया देखने के लिए। बाकी देखते हैं, बोल रहे रात को देखेंगे, पता नहीं कब देखेंगे, और देखते हैं फ़ोन अगर मिलता है तो। बाकी तो फ़ोन चोरी हो चुका है और डब्रू भी बेचारा आज परेशान हो रहा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है गाइस, पता नहीं फ़ोन कौन ले गया यार। यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन लिख दी है फ़ोन चोरी होने की वजह से, तो मेरा फ़ोन चोरी हो गया और ये एप्लीकेशन देनी पड़ रही है यहाँ पे। तो ये एप्लीकेशन लिखी है, अभी देनी पड़ेगी यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे सर नहीं है, बाकी उधर बैठे हैं तो यहाँ पे अभी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन दी जा रही है, देखो हेलो दोस्तों। तो अभी मैं हूँ देख सकते हैं पुलिस स्टेशन में, तो अभी मेरा फ़ोन जो है चोरी हो चुका है, तो इस वजह से मैंने अभी यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई है, देख सकते हैं ये मेरे हाथ में। और सबसे पहले यहाँ पे हमारे साथ हाथापाई हुई थी, हाथापाई होने के बाद वहीं से फ़ोन चोरी हो गया, और फ़ोन चोरी होने के बाद अभी मैं यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने के लिए। तो आज पहली बार मेरे साथ इतना मतलब इतनी बड़ी घटना हुई है, मैं 4 महीने प्लस लगभग साइकिल यात्रा कर रहा हूँ और साइकिल अपनी बाहर ही खड़ी है, और अभी यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई है, तो यहाँ तो अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है, बाकी देखते हैं। दोस्तों अभी मेरे साथ यहाँ पे बहुत बड़ी घटना हो गई यहाँ पे पूरी मंदिर के सामने, तो यहाँ पे मेरे साथ मैं जो मतलब पहले तो हाथापाई हुई थी, मारपीट हुई, मारपीट होने के बाद मेरा फ़ोन जो चोरी हो गया, तो फ़ोन साइकिल में लगा रहता है हमेशा लोकेशन देखने के लिए, तो वहीं से फ़ोन चोरी हुआ। और पहले तो उन्होंने मारपीट की, मारपीट करने के बाद साइकिल मेरी गिराई, और साइकिल गिरने के बाद जब मैं साइकिल उठाने का तो मेरा फ़ोन वहाँ से गायब हो गया, तो अभी मैंने यहाँ पर रिपोर्ट लिखवा दिया और देखते हैं फ़ोन मिलता है कि नहीं। बाकी तो फ़ोन चोरी हो चुका है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। आज हमारे साथ बहुत बड़ी घटना हो गई, आज पहली बार ऐसा हुआ हमारे साथ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था, मैं सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, अचानक से घटना हो गई, तो क्या ही कर सकते हैं अब। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना, और बाकी जितने भी लोग हैं तो सतर्क रहें, ऐसे ऐसे जगह पर अगर जाएँ तो अपना फ़ोन संभाल के रखें, फ़ोन क्या कुछ भी मतलब अपने कीमती सामान जो भी है वो भी संभाल के रखें अपने पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं जा रहा था अभी, और अभी फ़ोन तो नहीं मिल पाया, तो थाने में केस वगैरह कर दिया मैंने, मतलब रिपोर्ट वगैरह लिखाई है। और यहाँ पे भैया मिले जो कि पहले से वीडियो देखते हैं, कहाँ देखा था भैया आपने आपका? तो मैं बहुत वीडियो देखा हूँ, इसलिए आप जा रहे थे, मैं देखा था आप पूरी आए थे। जी जी, आप जा रहे थे, मैं घूम कर उधर से आया, मेरा एक स्टूडेंट है अच्छा, तो ये भी साथ में है। डब्रू का कहाँ है? तो डब्रू हमारा अंदर है बेचारा, ये भी भूखा है, इसका दाने का डब्बा भी चोरी कर लिया। दोस्तों आपने ब्लॉग में देखा ही होगा कि आज मेरे साथ क्या घटना हुई थी, तो अभी तक फोन मेरा नहीं मिल पाया है, तो आप लोग हो सके जितना भी इस वीडियो में जाके @ODissaPolice को टैग करें, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टैग करें इंस्टाग्राम पर जाके, इंस्टाग्राम पर भी टैग करो ताकि मेरी हेल्प हो सके और मेरा फ़ोन वापस मिल सके। मैं मतलब मेरा फ़ोन अभी तक नहीं मिला है, मैंने केस वगैरह किया है, बहुत कुछ किया लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा, मेरे तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो एक मतलब इतने दूर यात्रा करना और एक मिडिल क्लास फैमिली से होकर के अगर ऐसा साथ में हो जाए तो कैसा लगता है? तो आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग को शेयर करो और इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करो, इंस्टाग्राम पर रील डाली है मैंने, तो उनको उस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कौन चोर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वीडियो को शेयर करो और उन चोरों को पकड़वाओ। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना और ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जय जगन्नाथ।